नमस्कार दोस्तों आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के डेली कंटरव्यूज एनालिसिस में मेरा नाम दोस्तों कुशपांडे है और आप देख रहे हैं द डेली कंटरव्यूज एनालिसिस ऑफ द फोर्टीन ऑफ मार्च आप सबका दोस्तों तहे दिल से स्वागत है हमारे सेशन के अंदर आगे बढ़ने से पहले आई होप आप लोग रेडी हैं आई होप आप लोग तैयार हैं चलिए सेशन की शुरुआत आपके साथ दोस्तों आप कर लेते हैं द पर्पज ऑफ लाइफ इज नॉट टू बी हैप्पी इट इज़ टू बी यूजफुल टू बी ऑनरेबल टू बी कम्पैशनेट टू हैव इट मेक समिफरेंस डेट यू लिव हैिव एंड लिव्ड वेल तो जिंदगी का मतलब सिर्फ खुश रहना नहीं होता है अगर आप कुछ काम के बन जाते हैं कुछ काम आपको आता है अगर आप अपनी ज़िंदगी एक इज्जत के साथ ऑनर के साथ रहते हैं और अगर आप लोगों के प्रति अपने प्रति कंपेशनट हैं लोगों की फीलिंग समझते हैं और दुनिया में कोई डिफ्रेंस बनाते हैं तो ही आपने जीवन को बेहतर जिया है तो ही आपने जीवन को काफी सही तरीके से दोस्तों जो है वो जिया हुआ है तो अगर ये आप चीजें कर पाते हैं तो बाकी चीजें मैटर नहीं करती हैं सो वेरी वेरी वॉर्म वेलकम एवरी आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के डिस्कशन में चलिए शुरू करते हैं पहले रिवाइज कर लेते हैं according to the india cellular electronic association india now stands as the second largest producer of mobile phones at the end of decade 2014-2024 with how much percent self-sufficiency agar india cellular and electronic association Kenusar bharat Ab. कितने फीसद कितने प्रतिशत आत्मनिर्भरता के साथ दशक 2014-2024 के अंत में मोबाइल फोन का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है तो उसका आंसर है 97% परसेंट इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट है और ये एक बेहतर रिकॉर्ड है कि इंडिया में 97% परसेंट आपका जो फोन्स बनते हैं इंडिया में कंज्यूम होते हैं वो इंडिया में ही आपके बनाए जाते हैं माजुली मास्क रिसेंटली बैक द जी आई टैग इट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इनमें से किस स्टेट में बिलोंग करता है आपका एक माजुली मास्क ये बिलोंग करता है दोस्तों आपका फ्रॉम असम uh, अगर हम दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो माजुली बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि असम के लिए बिकॉज असम में एक माजुली आइलैंड है ठीक है और उसी आइलैंड पे ये मास्क आपका बनता है इसी वजह से ये मास्क रेलेवेंट है और इम्पोर्टेंट है इसके अलावा दोस्तों असम में अभी रिसेंट में काजी नेमू जो है उसे वहाँ का स्टेट फ्रूट घोषित किया गया था आ, काजी नेमू एक जीआई टैग भी है और काजी नेमू वहाँ का एक स्टेट फ्रूट भी है उस वजह से काजी नेमू भी आपका दोस्तों न्यूज में बना हुआ था आ, बाकी ऑप्शंस की बात करें दोस्तों तो वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में एक लिस्ट जारी हुई है तृणमूल कांग्रेस की कौन कौन से पॉलिटिकल कौन कौन से लीडर्स वहां चुनाव लड़ेंगे तो वहां पर एक नाम आपको पढ़ना पड़ेगा वो नाम है यूसुफ पठान का यूसुफ पठान टीएमसी के लोकसभा कैंडिडेट हैं और सवाल बन सकता है यूसुफ पठान का स्पोर्ट्स कौन सा है तो उनका स्पोर्ट दोस्तों जो है वो क्रिकेट है और उन्हें टीएमसी ने अभी अपना लोकसभा कैंडिडेट जो है वो बनाया है तो उस वजह से भी वेस्ट बंगाल न्यूज में बना है मणिपुर की बात करें तो मणिपुर आपका न्यूज में था एक तो न्यूज में इसलिए है बिकॉज यहाँ पर बुनियाद कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसके अंदर स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा ताकि खास तौर पे जो आ, वेरियस सेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर उसके लिए मणिपुर के अंदर कोलैबोरेशन हुआ है उस वजह से आपका मणिपुर न्यूज में बना है लेकिन दोस्तों अगर आप लगातार देख रहे हो सेशन मेरा तो यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो आपका जी टैग है जी टैग में एक से दो मार्क्स का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है और अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो जी आई टैग लेटेस्ट में कौन कौन सी हैं उन पे सवाल बनेगा क्योंकि जी आई टैग एक ऐसा चीज है जो रेलिवेंट है जी आई टैग को समझाने से पहले पहले समझो जी आई टैग होता क्या है जी आई का फुल फॉर्म होता है आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन और न्यूज में इसलिए है और इसका मतलब ये होता है कि भारत में या किसी भी देश में दस साल के लिए एक लाइसेंस मिलता है और वो लाइसेंस दिया जाता है ताकि उस पर्टिकुलर आइटम को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो जहां जिसको जिसको वो आपका टैग मिला है वो उसको मार्केट कर सकता है और अपनी इकोनॉमी को बेटर कर सकता है सो टू एक्सक्लूसिवली मार्केट द प्रोडक्ट फॉर टेन ईयर्स जीआई टैग इज टैकली गिवन इंडिया में इसके हैं जीआई के चेन्नई में और वहीं पर 10 साल का लाइसेंस जो है वो दिया जाता है और अगर हम अभी की बात करें तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पिछले एक महीने में इतने जीआई टैग आपके दिए गए हैं फॉर एग्जांपल बांग्लार जी जीआई टैग दिया गया है बंगाल के लिए नरसपुर क्रोचेट लेस प्रोडक्ट है क्राफ्ट एक है आंध्र प्रदेश का गुजरात का रतलाम रियावान लहसुन गार्लिक है बेसिकली ये ये है आपका मध्य प्रदेश का अंबाजी वाइट मार्बल गुजरात हैदराबाद लाख बैंगल्स तेलंगाना मजुली मास्क और मजुली मैनस्क्रिप्ट असम और ये सारे जीआई टैग आपके तमिलनाडु के हैं कटक रूपा तरकसी जो कि एक अगेन एक एक तरकसी एक सिल्वर फिल्गरी है उड़ीसा उड़ीसा टेक्सटाइल दिया गया है टू तो द स्टेट ऑफ त्रिपुरा तो पिछले एक महीने में इतने जीआई टैग आपके दिए गए हैं मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि अगर सवाल मार्च से आया तो जीआई टैग पे सवाल बनेगा इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं ठीक है थीके? तो अगर बेटा आपको जीआई टैग पढ़ना है तो कम से कम उस महीने में जो आपके जीआई आई टैग बने हैं उन को एक बार जरूर से आप लोग देख लीजिएगा कतरा कतरा सबको समझ में आ रहा है क्या बातें गई चलिए आगे बढ़ते यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया फर्स्ट एवर गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इनमें से कहां पर भारत का नॉर्थ इंडिया का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज को ओपन किया गया है तो इसे दोस्तों ओपन किया गया है कठुआ में कठुआ कहां पर है आपका जम्मू कश्मीर में कमेंट कीजिएगा येसियानो वहीं पर इंडिया का जो पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज है उसे ओपन किया गया है और वो कठुआ इज द राइट आंसर जो कि जम्मू कश्मीर में आपका बिलोंग करता है बाकी ऑप्शन की बात करें तो किस्तवा आपका न्यूज़ में है बिकॉज़ किस्तवर सैफ्रन इसको भी अभी रीसेंट में एक जीआई टैग आपका दिया गया था इस वजह से भी किस्तवर सैफ्रन आपका फिलहाल न्यूज़ में बना था तो किस्तवर सैफ्रन का नाम भी आप लोग जरूर याद से पढ़ लीजिएगा ठीक है हाँ, बदगम आपका फेमस है बिकॉज़ बदगम में सिल्क होता है आपका और वो जो उस वजह से बदगम भी आपका जो है वो पॉपुलर और फेमस है तो वो नाम भी ज़रूर से पढ़ लीजिएगा किस्तवर साफरन जो है बिल्कुल सही कहा आ, 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 आपने सुस, आ, सुस्पिता किस्तवर साफरन जो है वो एक जीआई टैग है जो कि जम्मू कश्मीर के लिए उसे दिया गया है हु uh, हैज been इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द Paralympic कमिटी ऑफ इंडिया uh, भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष के तौर पर इनमें से किसे चुना गया है उनका नाम है आपका देवेंद्र झजरिया ये मल्टीपल ओलंपिक, मल्टीपल पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इनको ही अब uh, पैरालंपिक कमिटी का नया चेयरमैन नया अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है

एस राजीव जो है वो भारत के नए विजिलेंस कमिश्नर है एट दी सेंट्रल विजिलेंस ऑफिस पर वो उस ऑफिस के नए विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर काम करेंगे इनका नाम है ए एस राजीव आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से हैं सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे कॉमन डेज की जो डेज काफी कॉमन है उनमें पहला है आपका जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे उसका थीम है टू प्रोटेक्ट एवरी हेल्थ प्रोटेक्ट एवरी राइट्स सेम डे होता है आपका वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे थीम है ऑनर हीरोज एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल्स थर्ड मार्च को होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जिसका थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानिंग एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेम डे होता है आपका वर्ल्ड हियरिंग डे थीम है चेंजिंग माइंड लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर एंड रियलिटी फॉर ऑल फोर्थ मार्च को होता है नेशनल सेफ्टी डे फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ईएसजी ईएसजी पर सवाल पेपर में आ चुका है ईएसजी का फुल फॉर्म है आपका एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस एक्सीलेंस ये सवाल एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है फिफ्थ से एट मार्च को होता है वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे थीम है एनर्जी ट्रांजिशन नाउ फास्ट स्मार्ट रिजिलियंट टेंथ मार्च को सी का रेजिंग डे होता है अभी सी uh, का अपडेट हुआ था थर्टीन मार्च को नेशनल नो स्मोकिंग डे है थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफ्रेंस फोर्टीन मार्च को होता है पाई डे पाई बेसिकली होता है रेशियो सर्कल के सकफरेंस का उसके डायमीटर का और ये अराउंड ये करीब होता है आपका थ्री पॉइंट वन फोर होता है फोर्टीन uh, मार्च को ही होता है आपका नेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स जिसका थीम है आपका वाटर फॉर ऑल तो ये तो आपके स्टैंडर्ड है ठीक है तो आपके स्टैंडर्ड हैं कुछ नए डेज भी हैं कुछ ऐसे डेज भी हैं जो काफी यूनिक हैं

शनल व्हील डे जो है उसे दोस्तों ऑब्जर्व हम करते हैं क्लियर है आज की बात करें तो आज के दिन हम किडनी डे मतलब गुर्दा का जो दिवस है उसको भी आज के दिन ही हम दोस्तों ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसकी हम बात चर्चा आगे चलकर आपके साथ करेंगे तो कतरा कतरा सबको समझ में आ गया है एक बार जरा फटाफट कमेंट कर दीजिएगा यस सर यस 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 हमें कतरा कतरा जो है वो समझ में आ गया है तो यस जिनका थीम है वो थीम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ठीक है आगे बढ़ने से पहले सब लोग जरा वीडियो को लाइक कर दो एक बार जरा वीडियो को टेलीग्राम पे शेयर कर दो ताकि और लोग भी सेशन में आ सके और चलिए अब शुरू करते हैं हमारे आज की चर्चा को सबसे पहले दोस्तों गवर्नमेंट ने अलाउ किया है आरबीआई को कि बिना कोई टैक्स पे किए आरबीआई गोल्ड को इंपोर्ट कर सकता है इंटरनेशनल uh, मार्केट से स्क्रीन पे आप देखिएगा इंडिया हैज अलाउड द सेंट्रल बैंक दैट इज द आरबीआई टू इंपोर्ट गोल्ड विदाउट पेइंग इंपोर्ट टैक्सेस फॉर एग्जांपल अब अगर गोल्ड को इंपोर्ट करना होगा आरबीआई को तो ना तो वो कोई बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करेगा और ना ही वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस पे करेगा कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी कोई भी इंपोर्ट टैक्स जो है उसे आपका आरबीआई जो है वो पे नहीं करेगा बल्कि वो आपका सिर्फ गोल्ड को इंपोर्ट कर पाएगा उसको कोई भी टैक्स पे आपका नहीं करना पड़ेगा बात समझिएगा ध्यान से जब कोई भी चीज हम इंपोर्ट करते हैं जब कोई भी चीज हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उस समय हमें एक बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करना होता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में किया जाता है सिमिलरली जब कभी कोई चीज पर टैक्स लगता है तो उस पर हम सेस को भी अप्लाई कर सकते हैं सेस का मतलब होता है एडिशनल टैक्स अप्लाई तब होता है जब हमें किसी सेक्टर को सपोर्ट करना होता है तो इस पर्टिकुलर सेस से हम सपोर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके डेवलपमेंट को तो कई सारे प्रोडक्ट्स पर जिन्हें हम इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं उन प्रोडक्ट्स पर हमें एआईडीसी अप्लाई करना होता है लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आरबीआई अगर गोल्ड को इंपोर्ट करेगा तो उसे ना तो कोई एआईडीसी अप्लाई करना है और ना ही उसे कोई बेसिक कस्टम ड्यूटी को अप्लाई करना है बिना कोई इंपोर्ट टैक्स पे किए आरबीआई अब गोल्ड को इंपोर्ट कर सकता है सवाल आपका बनेगा बहुत ही वाजिब सवाल बनेगा कि सर ऐसा आरबीआई क्यों करता है देखिए आरबीआई ऐसा इसलिए करता है बिकॉज़ आरबीआई को मेंटेन करना होता है फॉरेक्स रिजर्व और अगर ये मेंटेन नहीं करेगा तो जो इंडियन करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और इंडिया को इंडिया को आईएमएफ से या बाकी देशों से बाकी ऑर्गेनाइजेशन से पैसे बरो करना पड़ेगा तो इस रिजर्व को मेंटेन करने के लिए आरबीआई ये काम करता है अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सितंबर दो तक आरबीआई ने आरबीआई के पास 800.79 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड है जिसमें गोल्ड डिपॉजिट्स आपका 39.89 टन्स का है और इन, इन इतने टन्स में

अंडर दी फेमा एक्ट कि वो इंडिया में फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करेगा इसे मेंटेन करने से इंडिया लंबे समय तक इंपोर्ट कर पाएगा इसे मेंटेन करने से जो रुपी की वैल्यू है वो वैल्यू को भी इंडिया जो है वो कंट्रोल कर पाएगा इसीलिए गोल्ड के जब इंडिया गोल्ड को, को इंपोर्ट करेगा आरबीआई तो उस पर कोई भी आपका इंपोर्ट टैक्स अप्लाई नहीं किया जाएगा फेमा का फुल फॉर्म है फॉरिन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और 1999 में फेमा जो है वो आया था तो उसके तहत आर बी आई इज द रेगुलेटर इज द मैनेजर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज समझ में आ गया सबको क्लियर हो गया सबको अगर हम इस समय बात करें तो इस समय जो रिजर्व का वैल्यू है आपका वो वैल्यू है आपका 625.63 बिलियन डॉलर्स जिससे हम करीब 16 मंथ्स तक इंपोर्ट कर सकते मतलब इतना पैसा हमारे पास है कि अगर हम कोई चीज प्रोड्यूस ना करें तो हम 16 मंथ तक लगातार इंपोर्ट कर सकते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और जैसे जैसे आपका ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो इंपोर्ट करने की क्षमता है जो इंपोर्ट करने की पावर है वो भी आपकी दोस्तों बढ़ती जाएगी क्लियर हो गया सबको समझ में आ गया सबको अच्छा पिछले एक हफ्ते की बात करें और अपना जॉम्बी मोड को ऐड करें तो जैसे मैंने आरबीआई का जिक्र किया तो मुझे आरबीआई के बारे में पढ़ना पड़ेगा एग्जाम्पल दो दिन पुरानी खबर है आरबीआई ने कुछ अपडेट किया है रिगार्डिंग डबल बीपीएस होता क्या है BBPS का फुल होता है आपका भारत एक एक ऐसा वन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर तमाम बिल्स को हम पे कर सकते हैं जहां पर मल्टीपल बिल्स को हम पे कर सकते हैं तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम को लेकर अपडेट आया है अपडेट में कहा गया है कि जो भी आपके कमर्शियल बैंक हैं कोऑपरेटिव बैंक हैं नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं या एंटिटीज़ हैं जो कि भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिव यूनिट की तरह काम करते हैं उन्हें अब अलग से सेपरेट अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा वो बिना सेपरेट अप्रूवल लिए डबल बी पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं मैं रिपीट फिर से करूँ आपके लिए चाहे आपके बैंक्स हों चाहे कोऑपरेटिव बैंक्स हों कमर्शियल बैंक्स हों नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स हों एग्जांपल के तौर पर रेजर पे सीसी एवेन्यू ये सारे क्या हैं आपके ये सारे आपके नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर हैं जो कि पेमेंट करने में आपकी हेल्प करते हैं इन सब के बारे में कहा गया है कि इन्हें अलग से अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा टू ट्रांजैक्ट अंडर दी डबल बीपीएस इसके अंदर ट्रांजैक्शन करना है आपको तो आपको अलग से अप्रूवल लेना नहीं पड़ेगा डेटा हमारे सामने दोस्तों आया है फिर दोस्तों अभी आरबीआई ने कोलैबोरेट किया है बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ और उनके साथ मिलकर अब इंडोनेशिया में और इंडिया में लोकल करेंसी में मतलब रुपी में और रुपया में अब ट्रेड आपका होगा चाहे रुपी हो इंडिया का या रुपया हो आपका इंडोनेशिया का उन दो करेंसीज में ट्रेड होगा इसके लिए इंडिया ने कोलैबोरेट किया है विद बैंक ऑफ इंडोनेशिया आरबीआई ने कोलैबोरेट किया है विद बैंक ऑफ इंडोनेशिया उस वजह से ये इंपॉर्टेंट है फिर दोस्तों उद्गम पोर्टल को लेकर अपडेट आया है अपडेट ये आया है कि थर्टी अब ज्वाइन किया है आरबीआई का उद्गम पोर्टल जिसके जरिए जो कस्टमर्स हैं अपने अनक्लेम डिपॉजिट्स को विड्रॉ कर सकते हैं उनको यूज कर सकते हैं उदगम का फुल फॉर्म है आपका अनक्लेम्ड डिपोजिट गेट टू एक्स इंफॉर्मेशन तो बेसिकली उद्गम पोर्टल जिसे लॉन्च किया गया था 2023 में उद्गम पोर्टल के अंदर एक कस्टमर चाहे तो उसका कोई डिपॉजिट है जो कि अब पुराना हो चुका है जो कि अब इनऑपरेटिव है डोरमेंट है जिसका पैसा आरबीआई अपने से यूज करता है तो उद्गम पोर्टल के जरिए एक कस्टमर अपने उस डिपॉजिट को रिक्लेम कर सकता कर सकता सकता है है उसका यूज तो उद्गम पोर्टल के अंदर अब आपके थर्टी बैंक्स जो है वो दोस्तों आ चुके हैं पहले सिर्फ तीन बैंक्स थे लेकिन अब थर्टी बैंक्स आ चुके हैं इस बार के पेपर में अभी जो पेपर हुआ था एसबीआई क्लर्क का वहां पर सवाल आया भी था कि उद्गम का फुल फॉर्म क्या है तो उसका फुल फॉर्म देखिए दिया हुआ है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटे टू एक्स इंफॉर्मेशन तो पिछले एक हफ्ते में ये खबरें आपकी आर के हिसाब से इंपॉर्टेंट थी जी तो उस चीज को जरूर से आप लोग याद से पढ़ लीजिएगा यहां तक सबको क्लियर है एवरी अच्छा इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में आई इसे गोल्ड लोन देने से बैन कर दिया गया है यह भी एक बड़ी खबर थी कि ये अब आपका गोल्ड लोन्स को ऑफर नहीं कर पाएगा ये अपडेट भी आरबीआई ने रिसेंट में आपका दोस्तों दिया था आगे बढ़ते हैं। भारत के सेंट्रल बैंक के बाद अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक की भारत के सबसे बड़े सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की जिसका मार्केट कैपिटल आपका एल से भी ज्यादा है एस ने पार्टनरशिप किया है ओरियन प्रो के साथ या ओरियन प्रो के साथ और प्रो का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसका इस्तेमाल करके आर एस बी आई कैश को मैनेज करेगा तो ऑरियन ऑरियन प्रो सॉल्यूशंस जो है उसने अग्रीमेंट किया है एस बी आई के साथ और ऑरियन प्रो का जो कैश मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका नाम है आपका आई कैश प्रो प्लस इसका इस्तेमाल अब एस बी आई करेगा और इसका इस्तेमाल करके एस बी आई अपने ब्रांचेज में अपने सर्वर्स पे कैश को मैनेज करेगा ये, ये अग्रीमेंट जो हुआ गया है वो अग्रीमेंट किया गया है करीब सौ करोड़ का और इस अग्रीमेंट के तहत आरबी बी जो है वो आई कैश प्रो प्लस का इस्तेमाल करेगा uh, basically, इस contract के जरिए uh, आने वाले ट्वेल्व मंथ्स में कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा और ये छह सालों तक कॉन्ट्रैक्ट आपका चलेगा जहां छह सालों तक जो एस का कैश मैनेजमेंट है उसे कंट्रोल करेगा उस सर्विस को प्रोवाइड करेगा आपका ओरियन प्रो तो ओरियन प्रो सॉल्यूशंस ने एस के साथ टाइप किया है uh, सवाल बनेगा आपसे कि ओरियन प्रो का स्टैंडर्ड कैश मैनेजमेंट सोल्यूशन का नाम क्या है उसका नाम है आपका आई कैश प्रो प्लस ये क्या करेगा ये आरबीआई ये जो आई के कैश मैनेजमेंट है मतलब जो पैसे आप जमा करोगे करोगे डिपॉजिट में उसे मैनेज करने का काम ये करेगा ताकि कभी भी एस को दिक्कत ना हो देखिए यहां पर एक वर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है और वर्ड है आपका बैंक रन क्या वर्ड है आपका बैंक रन बैंक रन क्या होता है बैंक रन में एक बैंक जो होता है वो अनेबल होता है टू विदड्रॉ डिपॉजिट्स मतलब अगर आपने एक बैंक में पैसे जमा किए हैं डिपॉजिट किए हैं और बैंक से अब पैसे विद्रॉ नहीं कर पा रहे हैं आप बैंक से पैसे विद्रॉ नहीं कर पा रहे हैं उसे कहा जाता है आपका बैंक रन तो अगर एसबीआई ने इनके साथ टाइप किया है तो उसकी कोशिश है कि वो बैंक रन को अवॉइड करे ताकि कोई भी कस्टमर बैंक से पैसे विड्रॉ कर सके वो कस्टमर आपका जो है उसको दिक्कत ना हो पैसे विड्रॉ करने से तो उसे कहा जाता है आपका दोस्तों बैंक रन इसीलिए एसबीआई ने ओरियन प्रो के साथ अभी रिसेंट में कोलेबोरेशन किया है ये बात सबको समझ में आ गई है कतरा कतरा छप गया है सबको एक बार जरा फटाफट कमेंट कर दीजिएगा यस सर रोहित शर्मा जी इंसॉल्वेंसी अलग चीज होती है

अब अगर हम एस की बात करें बेटा तो एस पिछले एक हफ्ते में उसके लिए अच्छी खबरें नहीं है आपकी देखिए पहले तो एस पर आर ने दो करोड़ का फाइन लगाया था एक तो ये एक बड़ी खबर थी दूसरा एस को ट्वेल्थ ऑफ मार्च तक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल्स हैं उन्हें आपको प्रोवाइड करना है जो इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स हैं उन्हें आपको प्रोवाइड करना है ठीक है जो कि उसने प्रोवाइड आपकी कर दी है वैसे तो थर्टी जून तक का टाइम मांगा था एस ने लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा ना चोलवे आपको पहले करना पड़ेगा और उन्होंने ट्वेल्थ मार्च वर्किंग डे के एंड तक कहा था कि आप डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए सो डिटेल्स काफ़ी हद तक आपकी आ चुकी हैं एज पर द न्यूज़ ट्वेंटी टू थाउजेंड टू सेवेंटी थे इनमें से ट्वेंटी टू थाउजेंड थर्टी बॉन्ड जो है उन्हें रिडीम किया था उन्हें यूज किया था पोलिटिकल तो बड़ा डेटा आपके सामने ये आया है कि बाईस हजार दो सौ सत्रह आपके इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज हुए हैं उनमें से बाईस हजार तीस बॉन्ड जो है उन्हें रिडीम किया है पॉलिटिकल uh, पार्टीज ने और ये जो बॉन्ड्स का डेटा है वो लिया गया है From April 12, 2019 to February 15, 2024 इस टाइम पीरियड के बिटवीन इन बॉन्ड्स को इतना जारी आपका दोस्तों किया गया है ठीक है तो ये डेटा एसबीआई ने अब एस सुप्रीम कोर्ट में आ, में डिपॉजिट कर दिया है फिर दोस्तों एसबीआई ने अभी पेटीएम के साथ टाइप किया है और पेटीएम का ये चौथा बैंक है जिसके साथ पेटीएम ने टाइप किया इससे पहले पहला बैंक था आपका एक्सिस बैंक सेकेंड यस बैंक थर्ड इज एचडीएफसी बैंक और चौथा बैंक जो आपका है वो अब आपका दोस्तों एसबीआई है अब सवाल बनेगा ऐसा क्या होगा होगा ये कि चाहे हम एसबीआई की बात करें एक्सिस की बात करें एचडीएफसी बैंक की बात करें या यस yes बैंक की बात करें ये वर्क करेंगे एज अ नोडल अकाउंट कैसा अकाउंट की बात हो अकाउंट अर्लियर नोडल अकाउंट जो था पेटीएम का वो था आपका पेटीएम पेमेंट बैंक का ठीक है लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक को मार्च पंद्रह के बाद से कुछ भी करने से मना कर दिया इसी वजह से अब जो नोडाल अकाउंट होंगे वो अब चार बैंक के होंगे उनमें एस बी आई है एक्सिस बैंक है एच है आपका एफ yes सी है ये आपके चार बैंक है लेटेस्ट बैंक जो है वो आपका एसबीआई है अच्छा एक चीज और पेटीएम को आरबीआई ने अलाउ किया है कि वो अब वर्क करेगा एज अपी वो अब एज अ टीपीएपी वर्क करेगा जहां पर टीपीएपी का फुल फॉर्म है थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर एक टीपीएपी की तरह दोस्तों जो है वो आपका वर्क करेगा बेसिकली होगा क्या कि मान लेते हैं ये दुकान है पान वाले की और यहां पर पेटीएम का आपका स्कैनर है आपने अपने आईफोन से इसको स्कैन किया और फिर आपने यू, अपना बैंक सेलेक्ट किया और सिलेक्ट करके आपका जो एक पेमेंट है यूपीआई से हो जाएगा अगर आपको पे के वॉलेट में पैसे रखने हैं तो जो वॉलेट का पैसा होगा वो एस बी आई एक्सिस बैंक एच या आपका Yes बैंक मेंटेन करेगा तो ये जो, जो वॉलेट है इसका पैसा अब पेटीएम पेमेंट बैंक आपका मेंटेन नहीं करेगा इसका इसका पैसा आपका जो है वो एस बी आई एक्स एस डी एफ सी बैंक मेंटेन करेगा क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक जो है उसको बंद कर दिया गया मतलब काफी हद तक वो अब आपका पंद्रह मार्च के बाद वर्क नहीं करेगा ये बात सबको समझ में आ गई है तो इसी वजह से एस बी आई बना है चौथा बैंक जिसने कोलाबोरेशन अभी हाल ही में आपका दोस्तों किया है फिर से जरा आरबीआई की बात कर लेते हैं अभी कुछ दिन पहले आर ने एक सर्कुलर पेश किया था वो आर का आपका सर्कुलर था और उस आर सर्कुलर में एक बात क्लियरली कही गई थी कहा यह गया था कि अगर कोई भी बैंक किसी एन के साथ एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी कर रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा मेंशन कार्ड इश्यूअर का होगा जैसे कि दो चीजें होती इनको दोस्तों एक होता है आपका कार्ड नेटवर्क और एक होता है कार्ड इश्यूअर ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे कार्ड नेटवर्क में आता है आपका वीजा मास्टर कार्ड रूपे और एमएक्स ठीक है और कार्ड इश्यूअर में आपके जनरली आपके बैंक्स आते हैं ठीक है कुछ हद तक एनबीएफसी भी आपके आते हैं ठीक है तो कहा यह गया है कि अगर अब कोई को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी होगा तो उसमें कार्ड इशूअर का नाम सबसे ज्यादा यूज होगा और कार्ड इशूअर को ही प्रमोट किया जाएगा कार्ड नेटवर्क को प्रमोट आपका नहीं किया जाएगा कार्ड इशूअर को ही जो है वो आपका प्रोवाइड और उसको प्रमोट किया जाएगा अब इस चेंज को देखते हुए इस चेंज को देखते हुए आरबीआई ने बार किया है फेडरल बैंक को और साउथ इंडियन बैंक को कि आप को जारी नहीं करेंगे, जब तक कि आप इस ट्रांजिशन को इस चेंज को अप्लाई नहीं करेंगे जैसे ही वो अप्लाई करेंगे वैसे ही वो कार्ड्स को फिर से जारी कर पाएंगे अब यहां पर दो चीजें आपको ध्यान देनी है बेटा पहली बात तो यार आग से कचरा निकालो ऐसे है ना और ऐसे देखो मेरे को मेरे को मत देखो यहां देखो यहां पर देखिए दो चीजें है पहला है और दूसरा वर्ड है आपका को लेंडिंग इनमें अंतर है अंतर कैसे है इसमें आपका लोन दिया जाता है बाय अ बैंक एंड एन एनबीएफसी ये दो लोग मिलकर लोन देते हैं ब्रांडेड में आपके दो ब्रांड होते हैं एक तो कंपनी का ब्रांड होगा और एक आपका बैंक होगा ठीक है जैसे कि मान लेते हैं मान लेते हैं आपका जोमैटो और जोमैटो और रूपे अब जोमैटो जो है वो आपका एक कंपनी है रूपे आपका कार्ड नेटवर्क है तो को ब्रांडिंग में दो ब्रांड्स को एक साथ हम प्रमोट करते हैं ठीक है तो उसको लेकर फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक का जो अभी क्रेडिट कार्ड है को ब्रांडिंग उसको बंद कर दिया गया है और जैसे ही आपका अपडेट होगा वैसे ही उसे फिर आपका फिर से लॉन्च कर दिया जाएगा इसी वजह से दोस्तों ये को आपका हुआ है ठीक है हाँ तो वो डेटा आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा चलिए अब बात करते हैं दुनिया की बात करते हैं हमने अपने देश की बैंकिंग की बात कर ली है अब जरा दुनिया की बात करते हैं दोस्तों दुनिया में एक नया स्कॉर्पियन पाया गया है ये स्कॉर्पियन जो है इसकी आठ आंखें हैं और आठ पैर हैं और यह स्कॉर्पियन थाईलैंड में जो है वो पाया गया है ये स्कॉर्पियन जो है ये पहले अननोन था इसके आठ आंखें और आठ पैर हैं और इसे पाया गया है एट द कांग करचन नेशनल पार्क इन थाईलैंड में और एक एक्सपिडिशन चल रहा था एक यहाँ पर पर्वत श्रृंखला चल रही थी अभियान चल रहा था वहां पर नियर दरी माउंटेन रेंज के पास ये स्कॉर्पियन पाया गया है जिसके आठ आंखें हैं आठ आंखें और, और आठ आपके लेग्स हैं ठीक है ये स्कॉर्पियन जो है ये बिलोंग करता है टू द यू स्कॉर्पियोप्स सब जीनस में और इसका नाम रखा गया है आपका द न्यू क्राचन। ये नाम इस, इस स्कॉर्पियन का जो है वो रखा गया है और ये थाईलैंड में नियर दी करंग नेशनल पार्क थाईलैंड में इसे दोस्तों आपका पाया गया है आठ आंखें इतनी आंखें तो वाइफ की भी नहीं होती हैं ठीक है, है? हाँ। आ, अगर हम इस स्कॉर्पियन की बात करें तो इसका कलर ब्राउन है और फीमेल्स का कलर डार्कर है देन द दे मेल्स और जैसे मैंने पहले कहा आठ लड़की आठ आंखें हैं और आठ आपके पैर हैं और ये काफ़ी छोटा है अगर हम कंपेयर करें इसी जीन के बाकी स्पीशीज़ से लेकिन हाँ ये एक यूनिक आपका स्कॉर्पियन जो है वो पाया गया है दोस्तों अगर हम यूनिक चीज़ की बात करें तो कुछ टाइम पहले भारत में जुलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसने भी एक नया मोलस्क एक नया मरीन स्लग मोलस्क पहचाना था जिसे पाया गया था बीचेस ऑफ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में इस नए स्पीशीज का इस नए मुलाक का नाम रखा गया था दी दी द्रौपदी और ये नाम रखा गया था आफ्टर द करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और खास खासतौर पर दीघा वेस्ट बंगाल में और उदयपुर उड़ीसा में ये मोस् ये जो स्पीशीज है मुलास्क का ये स्पीशीज आपका दोस्तों पाया गया था तो उसी के नाम पर ये नाम पड़ा था तो अपार्ट फ्रॉम द करंट स्कॉर्पियन ये जो मोलस्क है इसका नाम भी पढ़ लीजिएगा इस ये भी अभी न्यूज़ में था बिकॉज इसका नाम जो है वो रखा गया है आफ्टर द करंट प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उनके नाम पे इनका नाम जो है वो आपका रखा गया है जी बिल्कुल सही जी उनके नाम पे ये नाम आपका दोस्तों रखा गया है फिर दोस्तों दुनिया का पहला थ्री प्रिंटेड मॉस्क ये पाया गया है सऊदी अरेबिया में ये मॉस्क जो है उसे इनोग्रेट किया गया है जद्दा में जद्दे जिसे कहते हैं जो कि एक कमर्शियल और स्पिरिचुअल सेंटर है सऊदी अरेबिया का ये मॉस्ट लोकेटेड है आपका दी अल जवाहरा सबब ऑफ जद्दा और वहीं पर दुनिया का जो पहला 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉस्क है उसे जद्दा सऊदी अरेबिया में आपका दोस्तों पाया गया है इसका नाम है आपका अब्दुल्ला शरबती मॉस्क या पूरा नाम है इसका अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल्ला शरबतली ये एक फेमस सऊदी अरेबियन व्यक्ति थे और इस पर्टिकुलर मॉस को कमीशन किया है उनकी वाइफ ने जिनका नाम है वजनात अब्दुल वहीद और उन्होंने अपने लेट हस्बैंड अपने जिनका इंतकाल जिनका डेथ हो चुका है उनकी याद में ये मॉस्क आपका जो है वो सऊदी अरेबिया में फिलहाल जो है वो बनाया है तो उस वजह से यह मॉस्क इम्पोर्टेंट हो जाएगा दोस्तों थ्री से याद आया थ्री प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये सवाल पिछले साल अक्टूबर में आया था इंडिया का जो पहला थ्री प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है उसे बनाया गया है कहाँ पर बेंगलुरु में जिसके लिए उन्होंने सपोर्ट लिया है आईआईटी मद्रास का उस वजह से भी थ्री प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है वो भी आपका न्यूज में बना था तो वो स्टेटमेंट भी प्लीज याद से आप लोग पढ़ लीजिएगा इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजें आपको और पढ़नी है जैसे कि कई लोग कंफ्यूज होते हैं आपको याद करना पड़ेगा अबू धाबी अबू धाबी में अभी रिसेंट में जो सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है मॉडर्न इंडे का आउटसाइड इंडिया वो टें आपका जो है वो अबू धाबी में ही सेटअप आपका किया गया तो उस वजह से भी धाबी और सऊदी अरेबिया जो है वो न्यूज में बने हैं तो उसको लेकर प्लीज आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा इस इस मंदिर का नाम है द बी ए पी एस टेम्पल चलिए अब आते हैं दुनिया की बात हो चुकी देश की बात करते हैं दोस्तों भारत में एक कमीशन है जो कि चाइल्ड राइट्स को बाल अधिकार की सुरक्षा करता है उसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इन्होंने अपना नाइनटीन फाउंडेशन डो जो है उसे अभी रिसेंट में ऑब्ज़र्व किया है इस डे को ऑब्जर्व किया गया लोकेशन था इंडियन हैबिटेट सेंटर न्यू डेली में और ये कमीशन ने चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री इन्वाइट किए और इसका जो एक कैंपेन चल रहा है परीक्षा पर्व जहाँ पर एंकरेज कर रहा है बच्चों को एग्जामिनेशन और शिक्षा के लिए उस पर पार्टिसिपेट करने के लिए अलग अलग बच्चों को देश से जो है वो बुलाया गया ये कमीशन की बात करें तो ये कमीशन आपका बना था 2007 में इसके हेडक्वार्टर्स आपके हैं न्यू दिल्ली इंडिया में और प्रियांक कानून को जो है इस समय इस कमीशन के चेयरपर्सन है सो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने अपना नाइनटीन फाउंडेशन डे जो है उसे रिसेंट में अभी ऑब्जर्व दोस्तों आपका किया था तो उस वजह से भी ये डेटा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट हो जाता है क्लियर है सबको एवरी वन यहाँ तक सबको क्लियर है दोस्तों वैसे भी अगर आपको याद करना है तो जो मार्च का महीना है वो बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मार्च के महीने में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ ताकि ऐसे बच्चे जिन्हें किसी तरीके का डिफेक्ट है बचपन से ही अपने पैदाइश से ही उसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए जो ये महीना है आपका मार्च का इस महीने को हम बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ की यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पर चूंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों कमीशन की और कमेटी की तो कमीशन और कमेटी में अंतर यह होता है कि कमीशन और कमेटी का अलग मतलब होता है कमीशन जो होता है वो एक एजेंडा के साथ चलता है कमिटी अपनी गाइडलाइंस पेश करती है कमीशन एग्जीक्यूट कर सकता है कमिटी आपकी जो है वो एडवाइस कर सकती है तो ये कमीशन है जो कि बना है आपका चाइल्ड राइट्स का और ये 2007 से लगातार आपका जो है वो वर्क कर रहा है इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो अभी पोषण पखवाड़ा भी आपका चल रहा है ठीक है और ये जो पोषण पखवाड़ा आपका है मार्च मंथ का ये भी चल रहा है और ये आपका चल रहा है नौ मार्च से लेकर तेईस मार्च तक इस समय तक ये पोषण पखवाड़ा जो है वो आपका चलाया जा रहा है तो वो डेटा भी आप ज़रूर से याद से पढ़ लीजिएगा पोषण बेसिकली इज़ अ पार्ट ऑफ द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जहां पर हम बात करते हैं कैसे हम बच्चों में और प्रेग्नेंट वुमेन में या फिर जिन मदर्स ने बर्थ दिया है बच्चों को उन्हें कैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके तो वो पोषण पखवाड़ा जो है उसे भी अभी हाल ही में ऑब्जर्व आपका दोस्तों किया गया है ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी तो पोषण पखवाड़ा भी आपका जो है वो नौ से तेईस मार्च तक जो है वो अभी फिलहाल चल रहा है आ, ये एक डेटा वैसे तो पुराना है लेकिन इसका कन्फर्मेशन आपका आया है आ, कल के दिन इसका कन्फर्मेशन आपका आया है और कल रात में कन्फर्मेशन आपका आया है और ये करंट अफेयर है पी का कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और ए ने उन्होंने अग्रीमेंट किया है 181 मिलियन डॉलर्स का और जो अहमदाबाद के पेरिफेरल एरियाज़ हैं मतलब अहमदाबाद के जो दूर दराज इलाके हैं जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं जहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो उन पेरिफेरल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए ए प्रोवाइड करेगा गुजरात गवर्नमेंट को 181 मिलियन डॉलर्स का ताकि जो पेरीफरल एरियाज़ हैं वहाँ पर लिवेबिलिटी वहाँ पर रहना और वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन उसको बेहतर किया जाए इसके लिए ये अग्रीमेंट अभी रिसेंट में किया गया है तो खबर तो पुरानी है लेकिन अभी फिर से चर्चा में है फिर से इसका मेंशन पीआईबी पे हुआ है तो ए प्रोवाइड करेगा 181 मिलियन डॉलर्स टू अहमदाबाद ताकि जो पेरीफरल अर्बन एरियाज़ हैं उन्हें डेवलप हम दोस्तों जो हैं वो कर सके उसके लिए अग्रीमेंट जो है हाल ही में उसे किया गया है ए uh, की बात करें तो ए uh, की शुरुआत हुई थी नाइनटीन में ए के हेड क्वार्टर्स आपके फिलीपींस में हैं और ए uh, की बात करें तो मसद सगु असकवा ये इस समय इसके आपके चेयरमैन के तौर पर या इसके हेड के तौर पर आपके जो हैं वो काम कर रहे हैं और ये एक आ, ये एक फिलीपींस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इस ये जो है इसने ही इतना अमाउंट अहमदाबाद को प्रोवाइड किया है ओके एक वर्ड है आपका जन औषधि ठीक है इसका मतलब होता है जेनेरिक मेडिसिन इसका मतलब होता है नॉन ब्रांडेड मेडिसिन मतलब जिसका कोई ब्रांड ना हो जैसे कि अगर आप जाते हो किसी मेडिकल स्टोर में तो वहाँ पर आपको दवाई मिलती है सिप्ला की मैनकाइंड की ग्लेनमार्क की है ना मतलब कि हम वहाँ पर क्या करते हैं वहाँ वहाँ पर हम एक पर्टिकुलर ब्रांड का नाम देते हैं है ना लेकिन ये दवाइयाँ जो यहाँ मिलती हैं वो अनब्रांड होती हैं नॉन ब्रांड होती है तो आ, इंडिया में ऐसे मेडिकल स्टोर्स को ओपन करने के लिए ऐसे मेडिकल uh, स्टोर्स को सेटअप करने के लिए एक अलग से क्रेडिट असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि अगर कोई इंडिया में एमएसएमई ओपन करना चाहती ऐसा कोई मेडिकल स्टोर तो उसको आराम से लोन मिल सके तो ऐसे मेडिकल स्टोर्स को लॉन्च करने के लिए सेटअप करने के लिए एक क्रेडिट असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है भारत के मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और इस अमाउंट का यूज़ किया जाएगा फॉर इस्टिशिंग जन औषधि केंद्र या फिर संजीवनी स्टोर्स जहां पर कि अनब्रांड मेडिसिन जो हैं उन्हें मिलता है इसे लॉन्च किया है भारत के केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर एंड भारत के मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मनसुख मांडविया जी ने इसका मेन मकसद है कि जो स्मॉल ऑन्ट्रप्रन्यर्स हैं उन्हें हेल्प किया जाए और इसके लिए सिडबी ने और जो फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया है अलग एन रिपीट इसके लिए सिडबी ने और जो फार्मास्यूटिकल्स मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया है उन्होंने दोस्तों कोलैबोरेट किया है और मिलकर वो इंडिया में ऐसे स्टोर्स को ओपन करने के लिए आपका हेल्प करेंगे अब एक सवाल बनेगा आपसे कि सर ये योजना है क्या ये योजना आपकी जो है इसे शुरू किया गया था आज से काफ़ी साल पहले 2008 में इसको शुरू किया गया था उस समय इसका नाम था जन औषधि मेडिकल स्टोर 2015 में इसका नाम चेंज हुआ प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के नाम से और अगले साल ही 2016 में इसका नाम चेंज हुआ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजन, पर योजना परियोजना के बारे में इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स ने इसका मेन इंटेंशन है क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करना अफोर्डेबल प्राइस पर टू टू पीपल अंडर दिस योजना और uh, यही इसका एक मकसद आपका जो है उसे दोस्तों किया गया है अभी हाल ही में इसका जो अभी हाल ही में क्या आज से करीब तीन महीने पहले इसका जो टेन थाउजेंड स्टोर था उसे ओपन किया गया था आपका देवघर में जो कि झारखंड में आपका बेस्ड है वहाँ पर स्टोर को जो है वो ओपन आपका दोस्तों किया गया था अब जैसे ही मैंने यहाँ पर वर्ड पढ़ा आपका जन औषधि जैसे मैंने ये वर्ड पढ़ा वैसे याद आया कि अभी हाल ही में मॉरिशियस बना है इंडिया का बना है पहला कंट्री जहां पर ऐसे मेडिकल स्टोर्स को ओपन किया जाएगा उस वजह से भी आपका ये योजना जो है वो न्यूज में है बिकॉज मॉरिशियस इज द फर्स्ट कंट्री जिसके साथ इस योजना का कोलैबोरेशन हुआ है और वहां पर भी ऐसे सेंटर्स को आपका ओपन किया जाएगा जैसे ही मैंने पढ़ा यहां पर मॉरिशियस वैसे ही मुझे याद आया यूपीआई यूपीआई की जो सर्विस है वो मॉरिशियस में आपकी स्टार्ट हुई है जिस और साथ ही में सर्विस आपकी श्रीलंका में भी रिसेंट में स्टार्ट की गई है वैसे तो आपका लेटेस्ट यूएई और फ्रांस है लेकिन उसके पहले यूपीआई सर्विस जो है उसे श्रीलंका मॉरिशस में भी आपका जो है वो स्टार्ट किया गया है उस वजह से भी मॉरिशस जो है वो आपका न्यूज बना था टोटल में इलेवन कंट्रीज हैं जहां पर यूपीआई की सर्विस को स्टार्ट किया गया है यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई से याद आया यूपीआई के लिए टाइप किया गया है लाइरा के साथ फ्रांस में UPI के लिए टाइप किया गया है आनी ए ए एन आई के साथ UAE के लिए UPI के साथ टाइप किया है सॉरी जयवान के साथ टाइप किया है इन UAE फॉर लॉन्चिंग द रुपे रुपे कार्ड इन UAE उस वजह से भी UAE आपका न्यूज़ में है पे uh, नाव के साथ कोलैबोरेशन किया है इन सिंगापुर फॉर लॉन्चिंग द यूपीआई इन सिंगापुर इन टोटल इलेवन आपकी कंट्रीज हैं जहां पर यूपीआई अब आपका अवेलेबल है इलेवन बी द राइट आंसर में नेपाल में भी वहां के एनपीआई के साथ नेपाल में टाइप किया गया है फॉर यूपीआई उस वजह से भी ये कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है कतरा कतरा सबको समझ में आ गया बिना जॉम्बी बने काम नहीं चलेगा आपको हर चीज को लिंक करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पार्ट पे राहुल कुमार जी मैं कोशिश करूंगा कल सेशन एक प्लान कर दूं आ, आपका आईडीबीआई का ताकि दिक्कत ना हो कल उम्मीद कर रहा हूं कि सेशन लेकर आऊंगा मैं आपके लिए ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों गूगल का एक कैंपेन है जिसका नाम है शक्ति ठीक है शक्ति कैंपेन का मेन मकसद है कि कोई भी मिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इलेक्शंस रिगार्डिंग न्यूज कैसे उसको हम अवॉइड कर सकते हैं कैसे उसे हम क्लैरिफाई कर सकते हैं उसके लिए शक्ति इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है तो अभी हाल ही में गूगल ने कोलैबोरेट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ और उनके साथ जो भी वोटर इन्फॉर्मेशन है या कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन है इलेक्शन uh, से पहले उसे अवॉइड करने के लिए उसे रिमूव uh, करने के लिए उसे क्लैरिफाई करने के लिए कोलैबोरेशन दोस्तों गूगल ने किया है ई के साथ और इसके लिए गूगल सर्च के जरिए यूट्यूब वीडियोस के जरिए वोटर्स विल बी एबल टू एक्सेस क्रिटिकल डिटेल्स ऑन हाउ टू रजिस्टर हाउ टू वोट एंड इन्फॉर्मेशन जो कैंडिडेट्स की है वो भी जानकारी आपको मिल सकती है तो गूगल uh, ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ टाइप किया है इसके लिए कोलैबोरेट किया गया है विद शक्ति जो कि इंडिया में एक फैक्ट चेकिंग इलेक्शन कलेक्टिव है जिसमें कई सारे आ, आ, कई सारे न्यूज मीडिया आउटलेट्स को ऐड किया गया है ताकि कोई भी गलत जानकारी इलेक्शन के बारे में या देश में न्यूज के बारे में ना फैले उसके लिए गूगल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ टाइप आपका दोस्तों किया है अब इंटरेस्टिंग बात दोस्तों यह है कि भारत में चीफ भारत में जो इलेक्शन कमीशन है वो कराता है आपका चुनाव और इसका लीडर होता है आपका एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस समय उसके नीचे दो लोग होने चाहिए लेकिन इस समय पूरे इलेक्शन कमीशन में सिर्फ एक ही आदमी है जिसका नाम है जिनका नाम है राजीव कुमार जो भारत के इस समय इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं अभी कुछ दिन पहले अरुण गोयल उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले रिजाइन कर दिया है ही हैज ऑफिशियली रिजाइंड फ्रॉम चीफ फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन एक पक्ष कहता है कि इन्होंने इसलिए किया है बिकॉज इन्हें uh, मतलब अगेन ये नेगेटिव है लेकिन इन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट नहीं है कुछ गड़बड़ है बेटा और सेकंड में कहा गया है कि ये जो है वो अपने कुछ और काम करना चाहते हैं बारिंग द इलेक्शन कमीशन तो कई सारे क्वेश्चन मार्क्स इलेक्शन कमीशन पर भी उठने शुरू हो गए हैं ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा ऐसा और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ही नॉर्मल सा आपका प्रोसीजर है तो वो दो डेटा हमारे सामने दोस्तों आया है दोस्तों इलेक्शन कमीशन की बात करें और अपने जोम्बी को जगाए तो कुछ सवाल बनेंगे आपके पहला सवाल बनेगा कि नेशनल वोटर्स डे कब होता है आपका सवाल पहला ये बनेगा पच्चीस जनवरी को होता है ठीक है ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी को होता है इसका थीम भी पढ़ लीजिएगा सेकेंड सवाल बनेगा इलेक्शन कमीशन ने किसे बनाया है अपना सेफ्टी एम्बेसडर तो उसका आंसर होगा आपका पंकज त्रिपाठी वो इलेक्शन कमीशन के आपके बने हैं सेफ्टी एम्बेसिडर नंबर वन नंबर uh, थ्री बनेगा एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है उस शॉर्ट फिल्म के लिए प्रमोट किया है उसको राजकुमार हिरानी ने उसके लिए कोलैबोरेशन आपका दोस्तों हुआ है सिमिलरली दोस्तों जम्मू कश्मीर में अगर प्रमोट करना है इलेक्शंस को तो उसके लिए सुरेश रैना को ब्रांड एम्बेसडर आपका जो है वो बनाया गया है उस वजह से भी सुरेश रैना जो है वो रेलिवेंट है और न्यूज में आपके बने हुए हैं तो वो नाम भी जरूर से आप लोग पढ़ लीजिएगा ठीक है अच्छा एक करेक्शन है एक मेरी तरफ से यहाँ पर जो सेफ्टी एम्बेसडर हैं सॉरी यहाँ पर जो इलेक्शन एम्बेसडर हैं वो पंकज त्रिपाठी नहीं है आपके वो रहेंगे आपके राजकुमार राव उनको बनाया गया है उसके पहले पंकज त्रिपाठी थे वो यूपीआई के आपके सेफ्टी एम्बेसडर हैं यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो राजकुमार राव होगा जिन्हें बनाया गया है इलेक्शन कमिश्नर का आपका एक एम्बेसडर फॉर फेयर इलेक्शन के लिए तो वहां आंसर जो होगा वो राजकुमार राव होगा तो बेटा इलेक्शन कमीशन पे सवाल बनेंगे और यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे भी सवाल आपके जो है वो हंड्रेड परसेंट बनने वाले हैं तो वो डेटा भी प्लीज आप लोग याद से पढ़ लीजिएगा चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इन्होंने एक आश्रम है साबरमती में जिसका नाम है कोचरब आश्रम उसे इनोग्रेट किया है नंबर वन एंड नंबर टू उन्होंने गांधी आश्रम मेमोरियल मास्टर प्लान को भी लॉन्च किया है मोदी जी ने विजिट किया है साबरमती आश्रम को और यहाँ पर कोचरब आश्रम को इनोग्रेट किया गया है इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया गांधी आश्रम मास्टर प्लान को भी लॉन्च किया गया है कोचरब आश्रम वो पहला आश्रम था जिसे गांधी जी ने इंडिया में सेटअप किया था इंडिया में गांधी जी आए थे मे ट्वेंटी फाइव को और इस सॉरी इंडिया में वो आए थे आपके दो में और उसी साल मे पच्चीस को उन्होंने कोचरब आश्रम को साबरमती में जो है वो आपका सेटअप किया था और उसी आश्रम को इनोग्रेट किया है फिर से मोदी जी ने मेन कंसेप्ट ये है कि इस एरिया में कैसे हम फार्मिंग को काउ ब्रीडिंग को खादी को और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर सकते हैं ओरिजिनली आश्रम आपका था साबरमती साबरमती रिवर के पास वहां पर एक बंजर जमीन थी बैरन लैंड था वहां पर और इसे अब दोस्तों आपका रिलोकेट किया गया है ताकि प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से ताकि इसको कहीं और रिलोकेट करें और आ, सिंबॉलिक रहे मतलब एक सिंबल रहे कि यहाँ पर भी एक आश्रम आपका था जिसे साबरमती में ही अलग जगह पर अब इनोग्रेट किया गया है तो उसकी वजह से ये आश्रम भी आपका न्यूज में है साबरमती आश्रम की बात करें तो इस आश्रम का नाम पहले आपका सत्याग्रह आश्रम था और भारतीय इंडिपेंडेंस में जब हम बात करते हैं डांडी मार्च की डांडी मार्च आपका यहीं से शुरू हुआ था और ये शुरू हुआ था आपका मार्च 12 को 1930 में जहां पर जो सोल्ट था ब्रिटिश सोल्ट उसके अगेंस्ट डांडी मार्च को यहीं से आपका शुरू किया गया था ये आश्रम में गांधी जी रहे 1917 से 1930 तक और यहीं पर उन्होंने अहिंसा को और सेल्फ रिलायंस को आत्मनिर्भरता को यहीं पर उन्होंने दोस्तों जो है वो आपका प्रमोट किया तो मैं रिपीट फिर से करूं आपके लिए कि साबरमती में जो कचरब आश्रम है उसे आ, फिर से किया गया एट अ डिफरेंट प्लेस और उसके अलावा गांधी मेमोरियल मास्टर प्लान को भी अप्रूवल यहां पर दोस्तों आपका दिया गया है क्लियर है आप सबको यहां तक अच्छा अब अगर हम महात्मा गांधी जी की बात करें और अपने जोबी मोड को ऑन करें तो जैसे मैंने पढ़ा मुझे याद आया बापू टावर बापू टावर आपका कहाँ बना है पटना में बना है बिल्कुल सही जवाब आपका गांधी जी से आ, आपका याद आया गांधी पीस प्राइस ये किसे दिया गया है जवाब दीजिएगा फटाफट इस पे सवाल भी एग्जामिनेशन में बनेगा गांधी जी का डेथ हुआ था थर्टीथ जनवरी को उस दिन हम दो दिन मनाते हैं इंडिया में एक तो है मार्टियस डे है ना और एक है आपका लेप्रेसी डे इसको भी हम मनाते हैं कब थर्टी जान को लेप्रेसी डे भी होता है और आपका जो मार्टिर्स डे है ये भी आपका अच्छा मार्टिज डे आपका दो दिन होता है एक तीस जनवरी को और एक होता है आपका ट्वेंटी थर्ड मार्च को जिस दिन भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु जी इन तीनों जी इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी इससे याद आया आई नो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल लेकिन इससे याद आया मेरे को वीर सावरकर जी का नाम बिकॉज इसके ऊपर एक मूवी आ रही है तो सवाल बनेगा आपसे कि वीर सावरकर एयरपोर्ट कहां पर है तो एयरपोर्ट आपका है ये पोर्ट ब्लेयर में है और पोर्ट ब्लेयर कहां पर है आपका अंडमान निकोबार में है यहीं पर दोस्तों आपका एक पहला ऑल वुमेन सर्वेलेंस मिशन मैरिटाइम सर्विशन जो है उसको भी यहीं पर आपका लॉन्च किया गया है उस वजह से भी आपका अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो आपका दोस्तों न्यूज में था और इसके अलावा बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जितने भी आपकी शेड्यूल ट्राइब्स हैं अंडमान निकोबार में वो सारी की सारी क्या है आपकी पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स हैं वो सारी की सारी ऑल ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स गाइस आर पर्टिकुलरली वर्लरेबल टैब ग्रुप्स जो कि यहां पर हैं ये जो आपका मिशन हुआ था यह मिशन दोस्तों आपका हुआ था कहां पर आई उत्क्रोश में कहा हुआ था आपका आई उत्क्रोश में वहीं पर यह पहला विमेन मिशन जो है उसे दिया गया था तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है कि कैसे आपको लिंक करना है कैसे आपको कोलेबोरेट करना है खबरों को ठीक है जी आगे बढ़ते मोदी जी ने इंडिया का जो पहला ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्लांट है इसे लॉन्च किया गया है गुजरात में ठीक है और लोकेशन आपका है द सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड में और ये इंडिया का पहला ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग है और मोदी जी ने इसे रिसेंट में इनोग्रेट किया है इससे जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसमें जो कार्बन फुटप्रिंट है जो पोल्यूशन है उसे कम किया जाएगा और थर्टी थ्री हंड्रेड थाउजेंड कार्स ऑन एन एनुअल बेसिस को पंद्रह एरिया से सुजुकी का जो प्लांट है वो अब आपका डिस्पैच कर पाएगा तो बाय बिल्डिंग सच अ इन प्लांट इन प्लांट साइडिंग सच अ इन प्लांट रेलवे साइडिंग जो मार्च सुजुकी है सुजुकी मोटर्स है वो अब साल भर में थ्री हंड्रेड थाउजेंड कार्स को एनुअल बेसिस पर अपने पंद्रह लोकेशन तक उन्हें वो डिलीवर डिस्पैच कर पाएगा इसी वजह से ये साइडिंग है उसे गुजरात में फिलहाल आपका अभी रिसेंट में लॉन्च किया गया है ठीक है और इसके लिए सुजुकी ने यह कोलैबोरेशन अभी हाल ही में दोस्तों आपका किया है अब अगर हम बात करें करंट अफेयर की तो यहां पर एक वर्ड आया आपका ठीक है? अगर हम ओवरऑल बात करें ऑटोमोबाइल्स की तो इंडिया में मैक्सिमम ऑटोमोबाइल्स को सेल किया गया है यूपी में ठीक है जहां पर मैक्सिमम ऑटोमोबाइल जो है उन्हें सेल किया गया और उसमें आंसर जो होगा वो आपका यूपी होगा अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तो उसमें अडॉप्शन में सबसे ज्यादा आंसर होगा आपका यूपी लेकिन अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें उसकी तो इंफ्रा में आंसर होगा कर्नाटका और शहरों में आंसर होगा आपका बेंगलुरु जहां पर सबसे ज्यादा इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन हैं तो वो डेटा भी आप लोग यहां पर जरूर से पढ़ लीजिएगा क्लियर है सबको इसकी बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल्स बनती हैं नंबर वन पे चाइना में और नंबर टू पे अब बनती है जापान में लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है उसका नाम है टोयोटा जो कि जापान से ही बिलोंग करता है वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरर है वो बिलोंग करता है आपका दोस्तों जापान से जी इस पर्टिकुलर साइडिंग के लिए कोलैबोरेशन किया गया है बिटवीन गुजरात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जी राइड और ये एग्रीमेंट है आपका गवर्नमेंट ऑफ रेलवे गुजरात का विद इंडियन रेलवे का और, और, इसी वजह से कोलाबोरेशन हुआ है मार्ज का एक मिशन है कि बाय 2031 वो एक साल में कम से कम चार मिलियन यूनिट्स कार्स की आपका वो कैपेसिटी जनरेट करे ये टारगेट के हिसाब से ये साइडिंग को जो है वो अभी लॉन्च किया गया है ठीक है तो ये कंसेप्ट जरूर से आप लोग पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट पे आते हैं आ, फिर दोस्तों भारत में एक खास तरह का एक शिप है खास तरह का एक आ, सेमी शिप है जिसका नाम होता है ए एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू सी जिसका फुलफॉर्म होता है आपका शैलो वाटर क्राफ्ट ठीक है तो इंडिया में जो ए जो एंटी समरीन वॉरफेयर शालू वाटर क्राफ्ट है उसका पांचवा और छठा शिप जो है उसे लॉन्च किया गया है इन शिप्स के नाम है आपके आई एन अग्रे और आई अक्षय और इन्हें बनाया है आपके गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता ने और इन्हें लॉन्च किया गया है थर्टींथ मार्च को कोलकाता के अंदर ठीक है कॉन्ट्रैक्ट मिला है आठ शिप्स का टू जी और ये अग्रीमेंट हुआ था इनका और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के भी 2019 में और ये जो शिप्स हैं आपकी इनकी क्लास का नाम है आपका अर्नला क्लास उस क्लास से आपकी बिलोंग करती हैं और ये, ये रिप्लेस करेंगी अभय क्लास शालू वाटर क्राफ्ट को और उनकी जगह इन्हें बनाया जाएगा आठ में बात करें तो सबसे पहला आपका अर्नला था दूसरा आपका एंड्रॉयड था फिर अमीनी भी था आपका ऐसे अलग अलग थे आपके और अब आपका पांचवा छठा जो है जो कि है आपका अग्रे और अक्षय उनको भी अभी हाल ही में दोस्तों जो है वो लॉन्च किया गया है तो भारत की जो पांचवी और छठी एंटी समरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है जो कि समरीन को अटैक कर सकती है उन्हें नेस्ता नाबूद कर सकती है उनका पांचवा छठा जो आपके शिप्स हैं उनको लॉन्च किया गया उनका नाम है आई इंडियन नेवल शिप नेवरशिप अग्रे इंडियन शिप अक्षय को और इनका जो नाम लिया गया है वो नाम लिया गया है फ्रॉम अथर्वेद अथरवेस के ट्रेडिशन के, के हिसाब से ये समारोह आपका किया गया है, जहां पर जो वाइफ है वी आर चौधरी की जो भारत के एयर चीफ मार्शल हैं नीता चौधरी उन्होंने इस सेरेमनी को जो है वो लॉन्च किया है और उसी मौके पर ये काम हुआ है अगर इन शिप्स की बात करें तो इनका जो लेंथ है वो सेवन मीटर्स का है इनका विद हंड्रेड फाइव मीटर्स का है और इनका डिस्प्लेसमेंट आपका जो है वो करीब नौ सौ टन्स का है तो जो पांचवी छठी आपकी ए एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू सी है उन्हें दोस्तों जो है वो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है फेक हॉस्टल पहली बात तो अपने ओरिजिनल नाम से आओ संदेश खली के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए लेकिन पेपर में सवाल उससे आपका नहीं बनेगा वो प्लीज़ एक बार याद कर लीजिएगा ठीक है उस पर सवाल एग्जामिनेशन में फ़िलहाल आपका नहीं बनेगा स्क्रीन तो पे आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर शिप्स के नाम है आपके एंटी सबरीन वॉरफेयर शारो वाटरक्राफ्ट इसे बिल्ड किया है कोचिन शिपयार्ड ने और जी आर एस सी ने इंडियन नेवी से आपका यूज करेगा और इसे और ये रिमूव करेगा प्रोसीड करेगा अभय है क्लास कॉर्बेट्स जगह जो अर्ना क्लास है वो कॉरबेट्स अब आपका इस्तेमाल कराया जाएगा फिर दोस्तों अगर हम बात करें कि कौन सा देश है जहां पर सबसे ज्यादा एम्यशन को या ग्लोबल आर्म्स को इम्पोर्ट किया जाता है तो दुनिया का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टर है वेपन्स का एम्यूनेशन का वो इंडिया है और ये डेटा पेश किया है स्टॉकहोम बेस्ड रिसर्च मिलिट्री रिसर्च टैंक सिप्री ने सो अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन स्टॉक इंडिया इज द वर्ल्ड बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ आर्म्स फॉर द पीरियड ट्वेंटी नाइनटीन टू 2023 इस पीरियड में सबसे अधिक जो इंपोर्ट हुआ है आर्म्स का वो इंडिया ने फिलहाल आपका दोस्तों किया है और इंडिया की इंपोर्ट्स का जो इंक्रीज है वो है 4.7 परसेंट का इन द पीरियड ऑफ 2014 फोर्टीन ट्वेंटी के बाद से तो इस पीरियड के बाद करीब 4.7 पॉइंट परसेंट इंक्रीज आया है इसमें से थर्टी जो इम्पोर्ट हुआ है वो रशिया इंडिया को करता है तो इंडिया का सबसे बड़ा जो सप्लायर है आर्म्स का वो रशिया है दुनिया के दस सबसे बड़े इंपोर्टर्स में से जो नौ हैं वो बिलोंग करते हैं एशिया ओशियानिया या ईस्ट से इनमें टॉप पे इंडिया है फिर सऊदी अरेबिया है तीसरा पर आपका कतर है चौथे पर आपका यूक्रेन है जो कि आफ्टर दी एडवेंट ऑफ रशिया इन यूक्रेन जो वॉर चल रही है उस वजह से यूक्रेन जो है वो चौथे नंबर पर आपका आ चुका है तो मिलिट्री इंपोर्ट uh, करने में डिफेंस इंपोर्ट सॉरी आर्म्स इंपोर्ट करने में नंबर वन पे इंडिया सेकेंड पे सऊदी अरेबिया थर्ड पे कतर और फोर्थ पे आपका जो है वो यूक्रेन बना हुआ है ये तो रहे सबसे बड़े इंपोर्टर लेकिन अगर हम बात करें एक्सपोर्टर्स की तो एक्सपोर्टर सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो आपका यूएस है विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर जहाँ पर 17% परसेंट का ग्रोथ देखा गया है आर्म्स एक्सपोर्ट करने में 2014-18 से कंपेयर कर 2019-23 को सेकेंड नंबर पे आपका फ्रांस है जिसका एक्सपोर्ट ग्रो किया है 47% परसेंट का तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये देश प्रमोट करते हैं वॉर को बिकॉज अगर ये वॉर को प्रमोट नहीं करते तो इनका ग्रोथ इतना नहीं होता सबसे ज्यादा इन्होंने जो है वो एक्सपोर्ट किया उनमें नंबर वन आपका यूएसए नंबर टू आपका जो है वो यहाँ पर फ्रांस है फिर दोस्तों भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उन्होंने कोलैबोरेट किया है विद आईआईटी दिल्ली और उनके साथ मिलकर ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि जियो स्पेशल को प्रोवाइड करेगी एआई एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगी उसके लिए कोलैबोरेशन अभी हाल ही में किया गया है और इनका यूज करके रूरल एरियाज़ को डेवलप किया जाएगा इसका मेन मकसद है बेसिकली एक प्रोजेक्ट है आपका उसका नाम है भू प्रहरी इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद है कि हमें ये चेक करना है कि जो मनरेगा में काम चल रहा है उसमें जो काम हुआ आपका जो प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं उनका प्रोग्रेस कितना है और उनकी वजह से डेवलपमेंट कितना आपका हुआ सो टू द एफिशिएंसी टू इम्प्रूव दी आउटपुट ऑफ मनरेगा वर्कर्स और मनरेगा स्कीम ब्रू प्रहरी इनिशिएटिव के लिए कोलेब्रेशन किया है आई आई टी डेली ने विद द मिनिस्ट्री ऑफ रूड डेवलपमेंट ताकि वो जियो स्पेशल मैप्स को यूज़ कर सके ए आई को यूज कर सके फॉर बेटर एफिशेंसी ऑफ दी वर्क डन बाय मनरेगा वर्कर्स और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं प्रोफेसर मना बेंद्र सहारिया ऑफ आई आई टी डेली वो इस प्रोजेक्ट को आपका जो है वो लीड कर रहे हैं ताकि हम जो पूरा एक मनरेगा का मिशन है उसे हम प्रमोट उसका जो आउटपुट है प्रोजेक्ट का उसे हम प्रमोट कर सके अब यहां पर देखिए कई सारे वर्ड्स आए हैं देखिए पहला वर्ड यहां पर आया है आपका मनरेगा ठीक है इसका बजट कितना है इस इसका बजट इस साल है एट्टी सिक्स थाउजेंड करोड़ का नंबर वन इसमें मिलता है हंड्रेड डेज का पेड वर्क ठीक है जी नंबर टू नंबर थ्री नंबर थ्री ए अभी आपका ए जो है वो न्यूज में है बिकॉज ऑफ कृत्रिम ये इंडिया का पहला आपका ए आई यूनिकॉर्न है इस साल का भी ये पहला आपका यूनिकॉर्न के तौर पर काम कर रहा है उस वजह से ये वर्ड भी आपके सामने जो है वो दोस्तों आया है ठीक है ये वर्ड प्लीज एक बार देख लीजिएगा क्लियर है सबको एवरीवन वन तो ये दो वर्ड्स यहां पर आपको याद से पढ़ने पड़ेंगे वो वर्ड भी एग्जामिनेशन में आपके आ सकता है नेक्स्ट पे आते हैं तीन ऑर्गेनाइजेशन ने अग्रीमेंट किया है उनमें पहला है ओ एन डी सी फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स दूसरा है यूएसओएफ, एफ फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड और तीसरा है प्रसार भारती इन तीनों ने अग्रीमेंट किया है इस अग्रीमेंट के तहत ओ एन डी सी के जरिए रूरल एरियाज में जो ब्रॉडबैंड है उसके ऑप्शन प्रोवाइड किए जाएंगे अलग एन रिपीट प्रसार भारती प्रमोट करेगा अपने नेटवर्क के जरिए और प्रमोट करेगा कि जो भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन हैं जिन कनेक्शंस को भारत नेट के जरिए यूएसओ प्रोवाइड करता है विलेजेस में उन एरियाज में जो अलग अलग ऑप्शन हैं आपके ब्रॉडबैंड के उन्हें ऑफर करेगा ओ ठीक है जो लोग नहीं जानते हैं ओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मल्टीपल आपको सप्लायर्स मिलेंगे और इनको यूजर चूज कर सकता है जो उसके लिए बेस्ट है तो होगा क्या कि यूएसओ जो कि फंड करता है रूरल ब्रॉडबैंड को वो जो अलग अलग आपके प्रोवाइडर्स हैं ब्रॉडबैंड के उन्हें लिस्ट कराएगा ओ पर और इस पर्टिकुलर चीज को प्रमोट करेगा प्रसार भारती अपने प्लेटफॉर्म पर ताकि जो गांव वाले हैं जहां जहां पर ये हैं वो चूज कर सकें कि उन्हें कौन सा ब्रॉडबैंड आपका चाहिए इसके लिए दोस्तों ओ ने कोलैबोरेशन किया है विथ यू एंड प्रसार भारती समझ में आया आपको बात जैसे कि मैं एग्जाम्पल आपको सामने देता हूं ताकि आपको याद रहेगा जैसे कि इसी ब्रॉडबैंड पे आपका आ गया मान लेते हैं जियो आ गया टाटा आ गया हैथवे आ गया है? ये आ गया ओ आ गया सी पर और इसे प्रोवाइड किया किसने यूएस एफ ने और फिर जो एक कंज्यूमर है वो चूज कर सकता है और इसकी अवेयरनेस फैलाएगी कौन प्रसार भारती बात आ गई आप सबको तो उसके लिए ये एक कोलैबोरेशन जो है वो प्रसार भारती ने आपका दोस्तों किया है मतलब इनके जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं इनको भी यहां पर आपका लॉन्च किया जाएगा क्लियर है एवरी वन ओके नेक्स्ट पे आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अग्रीमेंट किया है फॉर परचेजिंग अग्रीमेंट किया है आर्मर्ड निगम लिमिटेड के साथ इनके साथ अग्रीमेंट किया गया है और मिनिस्ट्री डिफेंस परचेज करेगा 693 आर्ममेंट थ्री अपग्रेड ऑफ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बीएमपी टू 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 एम मतलब वो अपग्रेड करेगा अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को इसमें नाइट एनेबलेंट गनर मेन साइट होगा मतलब कई तरह के अलग अलग अपग्रेड्स को वो परचेस करेगा एवीएनएल जो है उसने एक सॉल्यूशन बनाया है जिससे कि नाइट फाइटिंग एबिलिटीज ऐड किया जाएगा आपका इन द इन द इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स में और इसके लिए उसने जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की का साथ लिया है और भार इलेक्ट्रॉन लिमिटेड के साथ उसने मिलकर जो, जो नाइट फाइटिंग केबिलिटीज हैं उनको इन तीनों ने मिलकर जो है वो आपका डेवलप किया है तो उसी के लिए आ, करीब 693 ऐसे अपग्रेड्स को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस परचेज करेगा फ्रॉम आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड उनके साथ ये परचेज उसे जो है वो दोस्तों किया जाएगा आ, फिर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अग्रीमेंट किया है एट करोड़ का एच के साथ और एच उन्हें प्रोवाइड करेगा थर्टी फोर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स ध्रुव एम के थ्री को जो कि यूज़ किया जाएंगे आपका इंडियन आर्मी के द्वारा और इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा वो अग्रीमेंट अभी हाल ही में दिया है और इसका अप्रूवल दिया है कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने और इतने करोड़ रुपए रुपीज़ में थर्टी uh, फोर ऐसे हेलीकॉप्टर्स को परचेज किया जाएगा और इसका इस्तेमाल आपका सर्च uh, रेस्क्यू में ट्रूप uh, ट्रांसपोर्टेशन में कार्गो सप्लाई में कैजुअलिटी एवैक्यूशन में उन सब चीज़ों में किया जाएगा और खास तौर पे सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख में जो ये हेलीकॉप्टर है आपका ध्रुव इसका इस्तेमाल आपका होगा तो इसे बनाया है आपके एच ने और 34 ऐसे हेलीकॉप्टर्स को अवार किया इंडियन आर्मी ने और इसका टोटल बजट है आपका 8073.17 जीरो करोड़ इतने अमाउंट में इतने एयरक्राफ्ट को जो है वो इंडियन एयरफोर जो है वो आपका प्रोवाइड प्रु, वो आपका प्रोवाइड दोस्तों जो है वो करेगा फिर उड़ीसा ने विमेन इम्प्लॉयिज़ का जो एडिशनल लीव है उसे इंक्रीज किया है कैजुअल लीव को उसने दोस्तों इंक्रीज़ किया है एडिशनल टेन डेज दिए जाएंगे कैजुअल लीव फॉर वुमेन ताकि जो उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं घरों में शहरों में उन्हें दोस्तों प्रमोट किया जाए और इसका अनाउंसमेंट किया uh, उड़ीसा सी uh, नवीन पटनायक ने और इसका मेन मकसद है कि जो वर्क लाइफ बैलेंस है महिलाओं का उसे कैसे हम सस्टेन कर सकते हैं उसके लिए ये कोलैबोरेशन जो है उसे किया गया है और 15 डेज का कैजुअल लीव होता था जिसे बढ़ाकर अब आपका 25 डेज कर दिया गया है इसके अलावा जो मटर्निटी लीव है उड़ीसा के ऑफिस में वो 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 वन एट्टी डेज की है फॉर टू लाइव बर्थ फॉर वुमेन और वो एक ग्रांट भी उनको दिया गया है तो अपार्ट फ्रॉम द मटर्निटी लीव तो टोटल पच्चीस दिन का अब कैजुअल लीव दिया जाएगा वुमेन को इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा उड़ीसा वैसे भी इंडिया का पहला स्टेट है जहां पर 33 परसेंट रिजर्वेशन दिया गया है महिलाओं को गवर्नमेंट जॉब्स में और बाकी स्टेट्स में भी ने भी इसको फॉलो अप करना आपका जो है वो स्टार्ट कर दिया है फिर दोस्तों आईएसएमए जिसका फुल फॉर्म है आपका इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन उसने अपॉइंट किया है मिस्टर दीपक बलानी को अपना डायरेक्टर जनरल आई जो है उसके हेडक्वार्टर आपके न्यू दिल्ली में है और 1932 में आपका आई जो है वो बनकर तैयार हुआ था फिर दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी इन्हें कन्फर्म किया गया है विद दी ऑनरी डॉक्टरेट उपाधि बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस और ये मॉरिशियस यूनिवर्सिटी ने द्रौपदी मुर्मू जी को अभी हाल ही में दिया मैंने आपको बताया था कि इन्होंने इनको इनके नाम पर ही एक मोलस्क जो है जो कि आपका पाया गया इंडिया में उनके नाम पर एक मोलस्क मरीन मोलस्क जो है उसका नाम भी इनके नाम पे आपका रखा गया है मुर्मू जी थ्री डे के दौरे पर है मॉरिशस में और उसी दौरे पर ये हैं और वहीं पर इन्हें ये सम्मान जो है वो दोस्तों दिया गया है फिर 2024 का जो आई डबल ए गोल्डन कंपस अवार्ड है वो दिया गया है टू श्रीनिवासन स्वामी उन्हें ये अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड को दिया है बाय गवर्नर तून अहमद फूजी अब्दुल रजाक ने और ये अवार्ड दिया गया ड्यूरिंग द फोर्टी फिफ्थ आई डबल ए वर्ल्ड कांग्रेस इन पेनांग मलेशिया में और ग्लोबल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में इनका जो एक इनका जो एक सपोर्ट है उसके लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया एट दी आई डबल ए वर्ल्ड कांग्रेस इन पेनांग में आई डब डबल ए गोल्डन कंपस अवार्ड जो है वो अवार्ड आपका है फॉर एक्सीलेंस एंड इनोवेशन द इंडस्ट्री और स्वामी साहब जो हैं वो पहले ऐसे लीडर हैं इंडिया के जिन्हें ये सम्मान जो है आईडब्ल्यूए कंपस अवार्ड जो है वो दोस्तों यहां पर दिया गया है फिर भारत में जो एक योजना है जिसका नाम है फेम जिसका फुल फॉर्म है आपका पास्टर अडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेस टू इनिशिएटिव इसकी जगह अब एक नई योजना को लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम है आपका और इसका नाम है आपका ई एम पी एस इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स की सेल को हम दोस्तों जो हैं वो प्रमोट करेंगे उसके लिए हमने रिप्लेस किया है फेम को विथ ईम पी एस ठीक है ये स्कीम आपका शुरू होगी अप्रैल वन दो हज़ार चौबीस से और ये रिप्लेस करेगी आपकी फेम फेज टू को और इसे मैनेज करेगा द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज और इसकी जानकारी दी है हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे जी उन्होंने कहा है कि इसके लिए अलग से पांच सौ करोड़ रुपए जो है वो हमने एलोकेट दोस्तों जो है वो आपके किए हैं और इसका इस्तेमाल करीब फोर हंड्रेड थाउजेंड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स को सपोर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है इस अमाउंट का किया जाएगा न्यूज कनेक्टर्स पे आते हैं ये आपके सामने है एक बार इसको देख लीजिएगा समय आज कम था आज मैंने कोशिश की थी समय जल्दी हो जाए लेकिन हो नहीं पाया इसको एक बार देख लीजिएगा इसी के साथ आपसे दोस्तों विदा लेते हैं मुलाकात करेंगे आज आज, आज आपको दिन में दो बजे बैंकर बाबू के साथ बाकी आई का मैं कोशिश कर रहा हूं अपडेट देने का आपको वो तो मैं अपडेट दे, दे दूंगा आपको उसके लिए अलग से कंडिफे में करा दूंगा आपके लिए लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको सेशन ज़रूर से देखना है विद दिस गाइज विल कम टू एंड बाकी ये आपका होमवर्क है आज का इसको प्लीज़ आप अटेम्प्ट कीजिएगा ठीक है ये होमवर्क आपका है ठीक है और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको बैंकिंग स्टैटिक पढ़ना है मेरे से जो कि आज रिज्यूम हो रहा है तो मेरा एक्सक्लूसिव पैकेज लीजिएगा साल भर का जिसके लिए आपको यूज करना है कोड के पी टेन को यह कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं हमारे अलग अलग सब्सक्रिप्शन में भी एक साथ में भी कर सकते हैं इस कोड का इस्तेमाल तो जरूर कीजिएगा इस कोड का इस्तेमाल विद दिस गाइज वी विल कम टू एंड थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर कमिंग बाय गाइज टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरी वन एंड इसका पीडीएफ मिलेगा ये सबसे के चैनल पर तब तक के लिए शुक्रिया आप सबका आने का एंड बाय थैंक यू सो मच